महाकाल की नगरी उज्जैन में न केवल राजा धीराज महाकाल का मंदिर विराजमान है, साथ ही ऐसे कई देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जो न केवल चमत्कारी हैं, बल्कि कई पौराणिक गाथाएं भी इन मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। पुराने शहर के नयापुरा क्षेत्र में देवी के रूप में 64 योगिनी का अनोखा मंदिर है। ये मंदिर एक प्रसिद्ध प्राचीन तांत्रिक मंदिर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे तंत्र साधना और पूजा के लिए भी प्रमुख स्थान माना जाता है। बता दें, एक जमाने में इस मंदिर को तांत्रिक विश्वविद्यालय कहा जाता था। उस दौर में इस मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करके तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमावड़ा यहां लगा रहता था। मंदिर का नाम सुनकर भक्तों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि यहां देवी के रूप में 64 प्रतिमाएं विराजित होंगी, लेकिन मंदिर में पहुँच कर ये बात सही भी साबित हो जाती है, क्योंकि यहाँ माता जी पिंड रूप में 64 देवी के रूप में विराजमान है, जिनके अलग अलग नाम भी हैं। और ये भी मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के समय से 64 योगिनियों का स्थान है। प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ विद्यमान है। ये योगिनियाँ देवी का ही स्वरूप है। 64 योगिनी माता मंदिर में यूँ तो वर्ष भर ही दर्शन पूजन के लिए भक्त आते रहते हैं, और भक्तगण अपनी मुराद पूरी होने पर माँ को प्रसाद भी चढ़ाते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ प्रतिदिन अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है। इस दौरान यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु आकर माँ के दर्शन करते हैं। 64 योगिनियों के कई जगह मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तीन बड़े मंदिरों में जबलपुर के भेड़ा घाट पर, नर्मदा किनारे पहाड़ी पर कीले नुमा और चंबल संभाग में 64 योगिनियों के मंदिर हैं। तीसरा प्रमुख मंदिर उज्जैन का है, जो राजा विक्रमादित्य के कार्यकाल के समय का है। मंदिर के पुजारी पंडित मनीष व्यास ने बताया कि माता 64 योगिनी को तांत्रिक देवी भी कहा जाता है, और तंत्र साधना के लिए ये स्थान अत्यंत विशेष महत्व रखता है। 64 योगिनी का मंदिर है, नयापुरा उज्जैन में स्थित है। यहाँ पे 64 योगिनियों की चर्चित सिंदूर चर्चित प्रतिमा है, उनके 64 पिंड आकार में है और 64 के ही अलग अलग नाम है। ये तांत्रिक देवी के रूप में पूजी जाती है, तंत्र साधना में विशेष महत्व है, और इसे यहाँ पे बाहर से भी कई तांत्रिक आते हैं अपनी क्रियाएं करने के लिए, और इसे तंत्र साधना का एक तरीके से विश्वविद्यालय कह सकते हैं। यहाँ पे राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हैं। राजा विक्रमादित्य ने 64 योगिनी से आशीर्वाद लेकर अवंतिका नगरी में शासन किया। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी सप्तशती का पाठ होता है, यहाँ पे अष्टमी दुर्गा अष्टमी का हवन होता है। बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, इन प्रदेशों से अक्सर तांत्रिक लोग यहाँ पे आते रहते हैं तंत्र साधना के लिए। नवरात्रि पर्व पर वैसे तो मंदिर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठ और महाअष्टमी पर हवन किया जाएगा, लेकिन इस दौरान बंगाल और असम से तांत्रिक मंदिर पहुंचेंगे, जो कि अपनी साधना की पूर्णता के लिए यहां अनुष्ठान करेंगे।